सो ऐसी लाइफस्टाइल देख के आप भी अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करने लगते हैं, बट हु इज दिस गाय जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो ऐसी लेविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाता है? इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, इफ यू डोंट मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन का नाम है डैन बिल्जेरियन, फुल नेम बोलूं तो डैनियल बिल्जेरियन। एंड आज का हमारा एपिसोड इसी के ऊपर बेस्ड है कि हाउ डैन बिल्जेरियन मेक्स मनी सो दैट ही इज एबल टू अफोर्ड सच अ लेविश लाइफस्टाइल। सो मैं मोल शर्मा फिनलाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड वो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो डैन बिल्जेरियन इज अ सोशल मीडिया स्टार, किंग ऑफ इंस्टाग्राम एंड ही हैज अ ह्यूज फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। एंड आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डैन बिल्जेरियन हैज अराउंड 34 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। बट इंस्टाग्राम से तो आपको कोई पेमेंट नहीं आती, इंस्टाग्राम आपको पे नहीं करता, अनलाइक यूट्यूब। अगर वहाँ पर आपके सब्सक्राइबर होते हैं तो एटलीस्ट आपको एड रेवेन्यू मिलता है, बट इंस्टाग्राम के केस में इवन आपके मिलियन में भी फॉलोअर्स हों आपको इंस्टाग्राम की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आती, एक रुपये तक नहीं मिलता। सो हाउ डज डैन बिल्जेरियन मेक्स ऑल हिज मनी? सो आज के इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डैन बिल्जेरियंस अर्ली लाइफ। लाइफ में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना हो तो सबसे ईजिएस्ट मेथड यही है कि आप किसी अमीर खानदान में पैदा हो जाओ। सो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ डैन बिल्जेरियन के केस में यही था। ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरिडा USA टू पॉल बिल्जेरियन एंड टेरी स्टीफन। एंड डैन के जो फादर थे ही वॉज अ वेल नोन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने बहुत ही सारी कंपनीज में स्टॉक इन्वेस्टिंग की हुई थी। एंड डैन बिल्जेरियन के फादर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग ही सून स्टार्टेड हिज ओन रोबोटिक्स कंपनी एंड वो रोबोटिक्स कंपनी चल पड़ी थी एंड सून ही स्टार्टेड टू रिसीव 8-figure सैलरी फ्रॉम इट। एंड अनफॉर्चुनेटली डैन बिल्जेरियन के फादर वॉज कन्विक्टेड ऑफ अ फ्रॉड जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए बिकॉज ही हैड टू पे अराउंड $1.5 million इन फाइन एंड उनको जेल भी जाना पड़ा। सो डैन बिल्जेरियन डिड मोस्ट ऑफ हिज स्कूलिंग फ्रॉम फ्लोरिडा USA। ही सून डिसाइडेड टू जॉइन द मिलिट्री स्कूल एट द US नेवी सील अंडर द सील डिवीजन। इसके अलावा ही ऑल्सो सफर्ड 2 हार्ट अटैक्स। सो नेवी सील ट्रेनिंग ड्रॉप आउट करने के बाद डैन बिल्जेरियन डिसाइडेड टू जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा टू स्टडी बिजनेस एंड क्रिमिनोलॉजी, बट इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ही कंप्लीटेड द कोर्स और नॉट। सो फर्स्ट पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि डैन बिल्जेरियन इनहेरिटेड सम ऑफ हिज वेल्थ फ्रॉम हिज फादर, बट सेकेंड मेजर रेवेन्यू सोर्स जो डैन बिल्जेरियन ने खुद क्रिएट किया अपने लिए वो है पोकर। सो डैन बिल्जेरियन इज अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर जो कि वो बचपन से खेलते आ रहा है एंड ही यूज टू प्ले विद हिज ब्रदर एडम बिल्जेरियन हु इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर। सो डैन बिल्जेरियन इज अ को फाउंडर ऑफ विक्ट्री पोकर एंड अ ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ GG पोकर एंड ही इज अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर जिसने बहुत ही ज्यादा पैसा बनाया पोकर से एंड ही इज ऑल्सो समवन हु इज विलिंग टू टेक एक्स्ट्रा रिस्क बिकॉज एक एक दिन में या एक पोकर के गेम में भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स को एट स्टेक रखा है डैन बिल्जेरियन ने। एंड बिकॉज ऑफ हिज विनिंग मेंटेलिटी एंड हिज ह्यूज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ही वॉज वंस एबल टू टर्न $750 इंटू $187,000 इन जस्ट वन सिंगल नाइट। एंड डैन बिल्जेरियन से रिलेटेड पोकर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट एलेक गोर्स हु इज अ बिलियनियर वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रॉम इजराइल एंड दोनों के बीच में जो मैच होता है वो डैन बिल्जेरियन जीता है एंड ही वॉन अराउंड $40 million। एंड दोनों के बीच में एक और मैच बहुत ही जल्दी होने वाला है एंड इट विल बी अ मैच ऑफ $100 million जहां पे दोनों ही $50 million स्टेक पर रखेंगे। सो डैन बिल्जेरियन फाउंडेड इग्नाइट इंटरनेशनल ब्रांड्स इन 1985। ये कंपनी एक टोरंटो बेस्ड पब्लिक कंपनी है, ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे एंड द कंपनी सेल्स इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, कैनबीस, वाटर बॉटल्स, वोडका एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। सो जब कोविड आया 2020 में तो इग्नाइट इंटरनेशनल का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एंड द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ $70 million जिसकी वजह से डैन बिल्जेरियन की नेटवर्थ में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आया। बट
बट कंपनी अभी भी रिकवरिंग फेस में है और बिजनेस अभी धीरे धीरे दोबारा उस प्री कोविड लेवल्स तक स्टार्ट हो चुका है. बट एज ऑफ नाउ द कंपनी इज वर्थ $100 million इन जुलाई 2022. सो डैन बिलजेरियन का फोर्थ रेवेन्यू सोर्स है हिज एक्टिंग करियर. सो बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एंड ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हॉलीवुड में भी काम मिलता है. ही हैज एक्टेड इन 7 to 8 मूवीज एज ऑफ नाउ और बहुत सारी टीवी सीरीज में भी छोटे बड़े रोल उसने किए हैं. इसके अलावा डैन बिलजेरियन इज ऑल्सो अ टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और उसने एक टीवी सीरीज, कार्टून टीवी सीरीज प्रोड्यूस की थी इन 2017 जो कि यूएसए में ही प्रोड्यूस की गई थी. एंड उस टीवी सीरीज का, कार्टून टीवी सीरीज का पर्पस यही था कि जो भी उसने लाइफ में लेसन सीखे हैं उसको वो कार्टून की फॉर्म में आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सके. सो फिफ्थ रेवेन्यू सोर्स, कुछ मिसलिनियस अभी रेवेन्यू सोर्सेस की बात करते हैं. सो डैन बिलजेरियन ने बहुत सारा पैसा अपना रेसिंग स्किल से भी कमाया है. सो बिकॉज ही लव्स ड्राइविंग तो उसने अपनी इस रेसिंग स्किल्स को यूज़ करके भी बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है. एंड बिकॉज ही हैज़ वॉन, और उसकी वजह से ही हैज़ वॉन सम प्राइज मनी एज वेल. फॉर एग्जाम्पल इन 2011 डैन बिलजेरियन पार्टिसिपेटेड इन द लास वेगस मोटर स्पीड जहाँ पे वो रेस जीता है एंड ही वॉन अराउंड $385,000. सो ड्राइविंग से रिलेटेड ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेट है. सो एक बार डैन बिलजेरियन टुक अ बेट विद अ पर्सन जिसका नाम था बिल पार्किंस. सो डैन बिलजेरियन को लास वेगस से लॉस एंजलिस ट्रैवल करना था विद इन 48 hours एंड दोनों सिटीज के बीच का डिफरेंस है 300 miles. बट डैन बिलजेरियन को उस डिस्टेंस को बाइक पे कवर करना था. एंड जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डैन बिलजेरियन ट्रैवल फ्रॉम लॉस वेगस टू लॉस एंजलिस इन लेस देन 33 hours. एंड वो बेट जीतने के बाद ही गॉट अराउंड $600,000. सो समिंग अप, अगर हम डैन बिलजेरियन की जो मेजर रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें उनमें से सबसे पहले वही आ जाता है कि ही इनहेरिटेड सम ऑफ हिज वेल्थ फ्रॉम हिज फादर. उसके बाद वो पोकर खेल के उसने बहुत सारा पैसा कमाया. ही स्टार्टेड हिज कंपनी इग्नाइट और अपना एक्टिंग करियर, रेसिंग करियर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को यूज करके ही इज अर्निंग अलॉट मच मोर मनी. सो एज ऑफ सेप्टेम्बर 2022 डैन बिलजेरियन का करंट नेटवर्थ इज अराउंड $310 million एंड मेजोरिटी ऑफ हिज वेल्थ इज कमिंग फ्रॉम हिज कंपनी इग्नाइट जिसका जो बिजनेस है वो ज़्यादा हैविली कैनेबिस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है. बिकॉज शायद आपको ही पता होगा कि कैनेडा में कैनेबिस ये सब लीगल है एंड बिकॉज वो कंपनी का जो बिजनेस है वो सीजनल भी है थोड़ा और कैनेबिस पे ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है. बट अगर कैनेडा में कैनेबिस का बिजनेस अच्छा ग्रोथ करता है सो उसकी कंपनी इग्नाइट भी अच्छा परफॉर्म करेगी एंड उसकी वेल्थ माइट भी और ज़्यादा इंक्रीज करे फ्यूचर में. एंड ऑल्सो डैन बिलजेरियन इज यूजिंग हिज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस टू डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस एंड इनकम. सोन फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की. तो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी यूज करके ही इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस इनकम. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी. सो अगर आपने डैन बिलजेरियन का इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी चेक किया तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये क्यूरियोसिटी जरूर रही होगी कि डैन बिलजेरियन कैसे इतना ज्यादा पैसे कमाता है सो दैट ही इज एबल टू अफोर्ड सच लेविश लाइफस्टाइल. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. आपके क्या व्यूज़ हैं ज़रूर कमेंट करें एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें एंड वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलें बिकॉज उसकी वजह से आपको हमारे फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.